आज हम बनाने वाले हैं आलू रामफली की मसालेदार सब्ज़ी। तो इसके लिए 250 ग्राम के बराबर मैंने रामफली ले ली है और अब हम इन्हें सबसे पहले अच्छी तरीके से रेडी कर लेते हैं बनाने के लिए। तो इस तरीके से साइड से कोना पकड़ के हमें इस तरीके से खींचना है ऐसे, दूसरे साइड से भी हमें यही करना है और इसके पीछे वाले साइड से भी इसे इस तरीके से खींचते जाना है जिससे कि इसके धागे जो हैं पतले पतले, ये रेशे जिसे कहते हैं, ये निकालने हैं, नहीं तो ये खाने में हमारे दांतों के बीच आते हैं। यहाँ देखिए इसी तरह हम इसे रेडी कर लेंगे। यदि बीन्स जो है थोड़ी बड़ी लगती है तो आप बीच से दो पार्ट कर लीजिए और छोटी लगती है तो इसे इसी साइज़ का रहने दीजिए। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से सारी बीन्स को हम रेडी कर लेंगे और यदि आप चाहें तो इन्हें चाकू से भी कट करके ले सकते हैं। बहुत इजीली इसके ये जो धागे हैं निकल जाते हैं। इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया बनेगी ये। देखिए इस तरीके से बीच से दो भाग में मैंने तोड़ करके ले लिया है। तो सेम इसी तरीके से सारी जो हमारी राम फलियाँ हैं इन्हें हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से खींचते हुए हम इसके धागे निकाल लेंगे और यदि कोई बीन्स छोटी है तो उसे ऐसे ही रहने देंगे, बड़ी है तो दो पार्ट में तोड़ लेंगे या चाकू से कट करके भी ले सकते हैं। तो सारी रामफली को देखिए इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया है। जो ख़राब है उसे हमें हटा देना है। ध्यान रखें इसमें देखते भी जाना है किसी में कीड़ा तो नहीं लगा है, कोई जो फली है वो काली तो नहीं हो रही, ख़राब तो नहीं है, उन्हें हटा दें। रामफली एकदम रेडी हो गई है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन में यहाँ पे 1/2 लीटर के बराबर पानी गरम कर लिया है। इसमें 1 छोटा चम्मच जितना नमक डाल दिया है। जब पानी अच्छा गरम हो जाए तब हम इसमें ये रामफली डाल देंगे। तो सारी रामफली मैंने यहाँ पे पानी में डाल दी हैं। हमें इन्हें मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक उबालना है जिससे कि अच्छी तरीके से धुल भी जाएंगी और हल्की सी सॉफ्ट भी हो जाएंगी और बनाएंगे जब हम इन्हें तो ये और भी टेस्टी लगेगी। तो इसी तरीके से 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है मैंने। देखिए तो 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इन रामफली को यहाँ से निकाल लेंगे। हमें इन्हें उबालना नहीं है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है। कलर भी इसका बहुत ही बढ़िया ब्राइट हो गया है। चलिए तो अब सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन ले लिया है मैंने। इस पैन में हम 1 बड़े चम्मच जितना तेल डाल देंगे और जो रामफली हमने अभी साइड में रखी थी उन्हें छान करके हम यहाँ पे डाल देंगे। तो ये रामफली को मैंने यहाँ पे डाल दिया है। गैस का फ्लेम हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे सारी रामफली मैंने यहाँ पे डाल दी है पानी से निकाल करके। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हम आलू भी डाल देते हैं। तो 2 आलू छोटे साइज़ के मैंने लिए हैं, इस तरीके से क्यूब शेप में कट करके इन्हें यहाँ पे डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक आलू को और बीन्स को हम पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। तो इसी तरीके से फैलाते हुए चलाते हुए देखिए 4 मिनट हो गए हैं और ये हल्के से गोल्डन ब्राउन दिखाई देने लगे हैं। अब हम इन्हें निकाल करके साइड में रख देंगे और सब्ज़ी के लिए तड़का रेडी कर लेंगे जैसे कि हम मसाला भी कह सकते हैं। सेम पैन मैंने खाली करके ले लिया है। 1 बड़े चम्मच तेल इसमें फिर से डाल दिया है। इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देंगे। यहाँ पे प्याज डाल दिए मैंने, तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में मोटा मोटा कट करके यहाँ पे डाल दिया है। फ्राई सब्ज़ी में इस तरीके की प्याज अच्छी लगती है, यदि आपको नहीं लगती है तो आप बारीक भी कट करके डाल सकते हैं। 1-2 मिनट प्याज को चला लिया है। जब प्याज इस तरीके से ट्रांसलूसेंट हो जाए तब हम यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च डाल देंगे। तो 8-10 लहसुन को बारीक कट करके मैंने डाल दिया है। 2 हरी मिर्चें डाल दी हैं बड़े बड़े कट में, आप चाहें तो बारीक भी कट करके यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से इन्हें गोल्डन ब्राउन कर लिया है और अब हम यहाँ पे नमक डाल देते हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और उसके साथ ही 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटा चम्मच जितना और इसके साथ ही हम यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच, 1/4 छोटा चम्मच जितना मैंने किचन किंग मसाला डाला है, यदि आपके पास है तो आप डालें, नहीं तो आप यहाँ पे गरम मसाला भी डाल सकते हैं 1/4 छोटा चम्मच जितना ही। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है 10 से 12 सेकंड और तुरंत ही इसमें मैंने मटर के दाने डाल दिए हैं और 2 टमाटर डाल दिए हैं, एकदम लाल टमाटर लिए हैं बड़े बड़े पीसेस में, इन्हें भी स्लाइस में कट करके डाल दिया है। मटर की जो क्वांटिटी है लगभग 2 बड़े चम्मच जितना डाला है मैंने। टमाटर को 2-3 मिनट चला लिया है। टमाटर जब हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब हम इसमें ये जो फ्राई किए हुए आलू और बीन्स रखे हुए हैं हमने, मतलब कि रामफली जो है, इन्हें डाल देंगे और अब इन्हें भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो
रामफली है, इसे कुक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है क्योंकि हमने पहले ही 2-3 मिनट इसे बॉईल कर लिया, फिर 5 मिनट फ्राई कर लिया, तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से कुक हो जाती है। बस हमें मसाले के साथ इसे 2-3 मिनट और पकाना रहेगा। तो इस तरीके से देखिए चलाते हुए मैंने अच्छी तरह इसे मिक्स कर लिया है। कवर करके हम छोड़ देंगे लगभग 3 मिनट के लिए और 3 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे। अच्छी तरीके से इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे आप रामफली को और आलू को चेक कर लें। तो इस तरीके से मैंने चम्मच से आलू को चेक कर लिया है। रामफली भी हमारी एकदम परफेक्टली कुक हो गई है। धनिया पत्ता डाल देते हैं और यहाँ पे धनिया पत्ता भी मिक्स कर देते हैं। 2 बड़े चम्मच जितना धनिया पत्ता मैंने डाल दिया है। अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। गैस का फ्लेम करते हैं बंद और इस मसालेदार रामफली की सब्ज़ी को कर लेते हैं सर्व। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी।